please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कन्नौज में गैंगरेप की पीड़ित एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। आरोप है कि गांव के ही अनिल और विपिन ने मिलकर खेतों में पहले लड़की का गैंगरेप किया और फिर पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसकी फोटो खींचकर वायरल कर दी। बदनामी के डर से पीड़िता ने घर पहुंचकर जहर खा लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली कन्नौज के अंतर्गत बसीरापुर घाट में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वादी के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कोतवाली कन्नौज के अंतर्गत बसीरापुर घाट में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वादी के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में आई एक महिला अपना आंचल फैलाकर लोगों से पैसे मांगने लगी। इस महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुशीला नाम की महिला अपने दिव्यांग पति को डायबिटीज के इलाज के लिए पीएमसीएच लाई थी, जहां इलाज के समय उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद महिला ने अपने पति के शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल के स्टाफ से एम्बुलेंस की मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि अस्पताल ने महिला की मदद नहीं की। पीएमसीएच हेल्प नहीं किया आपके? नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से करीब 4 घंटे तक दिव्यांग का शव अस्पताल परिसर में ही पड़ा रहा। ऐसे में जब अस्पताल से मदद नहीं मिली तो लोगों ने पैसे देकर गरीब महिला की मदद की। अपने पति के लिए भीख मांग रही थी कि उसके पास पैसे नहीं था कि उसका डेथ बॉडी ले जाए घर। वह औरत का लाचारी देखकर, बेबस होकर देखकर 100 का नोट हम दिए हैं। पैसा इकट्ठा होने के बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस से महिला को उसके दिव्यांग पति के शव के साथ घर भेजा गया। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते से हटने का ऐलान कर दिया और ईरान समझौते को एकतरफा और बेकार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आतंक और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उसे अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों पर हमले का भी जिम्मेदार ठहराया। Over the years, Iran and its proxies have bombed American embassies and military installations, murdered hundreds of American service members, and kidnapped, imprisoned, and tortured. ईरान परमाणु समझौता 2015 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा की अगुवाई में हुआ था, जिसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम धीरे धीरे बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उस समझौते के बावजूद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। Just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से पहले ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को दोबारा लगाने की धमकी दी। साथ ही ईरान की नियत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि परमाणु हथियार के मसले पर उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। ट्रंप ने दलील दी कि अब उस समझौते को जारी रखना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ईरान की हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। If I allow this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs. वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान जारी कर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना की। ओबामा ने लिखा कि ईरान समझौते से पीछे हटने का डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक गंभीर गलती है और इस फैसले से पूरी दुनिया में अमेरिका की साख गिर जाएगी। ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गलत ठहराते हुए अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ये भरोसा दिलाया कि वो अमेरिका के बगैर भी समझौते की शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने इस मामले में फ्रांस, रूस और चीन से चर्चा कर आगे की राह तय करने की दलील दी। پایبند است و آمریکا کشوری هست که هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर निराशा जताते हुए ट्वीट किया कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन JCPOA से हटने की अमेरिका के फैसले से निराश है, परमाणु अप्रसार का दौर खतरे में है। रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बेहद निराशाजनक करार दिया, लेकिन इसराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान समझौते से हटने के अमेरिका के फैसले का समर्थन किया। इसराइल फुली सपोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स बोल्ड डिसीजन टुडे
to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran. वहीं अमेरिका के ऐलान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ईरान समझौते में शामिल दूसरे देशों से उसकी शर्तों का पालन करने की अपील की। ईरान परमाणु समझौता 2015 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा की अगुवाई में हुआ था। अमेरिका और ईरान समेत 6 देशों ने 2015 में उस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसका नाम JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रखा गया था। उस समझौते के मुताबिक ईरान पर 5 साल तक हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था, साथ ही मिसाइल कार्यक्रम पर भी 8 साल तक रोक लगा दी गई थी। समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया और बचे हुए हिस्से की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों से करवाने पर राजी हो गया था। उस समझौते पर अमेरिका और ईरान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने दस्तखत किए थे।